YouTube चैनल फ्यूल चैप्टर की सीरीज में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और हम सॉलिड फ्यूल के अंदर थे। सॉलिड फ्यूल के अंदर भी हमने वेरियस टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। पिछले वीडियो में हमने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात की थी और ये जाना था कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होते हैं और यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू क्या होते हैं। लेकिन हमारा थियोरिटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू रह गया था, तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला के नाम से भी जानते होंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरिटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, तो इसको पढ़ने से पहले हम एक बार वापस देख लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। वन यूनिट मास ऑफ फ्यूल लिया, उसको बर्न किया, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जितना प्रोड्यूस हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब कैलोरीफिक वैल्यू को हम दो तरह से पता कर सकते हैं, एक है थ्योरिटिकली और एक है एक्सपेरिमेंटल। तो थ्योरिटिकली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और एक्सपेरिमेंटल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ेंगे। अब थ्योरिटिकल कैलकुलेशन में क्या है, हम बिना किसी प्रोसेस के ये पता करना चाहते हैं कि इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो सकती है। एक तरह से हम एस्टिमेशन करना चाहते हैं कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा, आप कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ उसको मेजर करना पड़ेगा। लेकिन ये सब बिना किए हुए हम चाहते हैं कि हम फ्यूल के कंपोनेंट्स को देख के ये पता कर ले कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरिटिकल कैलकुलेशन। विथाउट डूइंग एनी प्रोसेस हम पता करना चाहते हैं कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी। ठीक है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कैन बी थ्योरिटिकली डिटरमाइंड बाय यूजिंग ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। तो ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी भी फ्यूल की थ्योरिटिकल कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। इट इज अज्यूम्ड डेट हीट इवॉल्व्ड कम फ्रॉम द कंबक्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन द फ्यूल। द टोटल हीट इवॉल्व्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व्ड बाय द कंबक्शन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट किस पे डिपेंड करती है, कार्बन के कंबक्शन पे, हाइड्रोजन के कंबक्शन पे और सल्फर के कंबक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 34,500 कैलोरीज पर ग्राम, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बन इज 8,080 कैलोरीज पर ग्राम, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सल्फर इज 2,240 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, तो हमको तीनों के कैलोरीफिक वैल्यू पता है। अब मान लीजिए किसी फ्यूल में 4 हाइड्रोजन है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 12 कार्बन है तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 5 सल्फर है तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों का जो सम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट, समझ में आया, यही ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला है। अब हम देख लेते हैं ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला को। तो ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला क्या कहता है कि एचसीवी निकालने के लिए आप ये कीजिए, 1/100, 80-80 सी मीन्स 80-80 तो कार्बन की कैलोरीफिक वैल्यू है और सी मतलब कितने कार्बन हैं आपके फ्यूल में, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्या है, 34,500 ये क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, और ये पूरा क्या बताता है, हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो हम नीचे इसको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी आप फॉर्मूला समझिए, 80-80 सी मतलब 80-80 तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बन है और सी मतलब कितने अमाउंट ऑफ कार्बन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 34,500 क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन है और ये क्या दर्शाता है, ये हाइड्रोजन की संख्या को दर्शाता है कि कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है आपके फ्यूल में। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर ये क्या है, 2,240 यह है सल्फर की कैलोरीफिक वैल्यू और एस क्या दर्शाता है यहाँ पे, कितने सल्फर अवेलेबल हैं आपके फ्यूल में, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर तीनों का सम कर दीजिए और अपॉन 100 कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, HCV मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CHOS आर परसेंटेज फैक्टोरियल वेट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो ये क्या है, वेट दर्शाते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर के। ठीक है,
रेस्पेक्टिवली ऑब्टेन फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल. मतलब 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को एनालिसिस किया, फिर हमने पता किया कि इसके अंदर कितना कितने अमाउंट ऑफ कार्बन है, कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, कितना अमाउंट ऑफ सल्फर है, ठीक है. उस फिर उसकी वैल्यूज हमने ड्यूलंग्स फॉर्मूला में पुट कर दी, तो हमें क्या मिल जाएगा, एस भी मिल जाएगा. अब यहाँ पे समझिए कि एच माइनस ओ अपॉन 8 ये हाइड्रोजन की संख्या को दर्शाता है, रिप्रेजेंट द अवेलेबल हाइड्रोजन. क्यों ऐसा क्यों है ये भी हम देख लेते हैं. इट इज अज्यूम्ड डेट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फ्यूल कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर. 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 1 पार्ट ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फ्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेता है, ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस इन 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन. तो 8 पार्ट बाय वेट ऑक्सीजन का किसके साथ कंबाइन हो जाता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है. तो इसलिए हाइड्रोजन की जो संख्या है वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन में से उस 8 पार्ट को हमको माइनस करना पड़ेगा. तो ये हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अवेलेबल हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है फ्यूल में ये हमें मिल जाएगा, ठीक है. तो ड्यूलोंग्स फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए. कैलोरीफिक वैल्यू पर रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो अधिकतर ड्यूलोंग्स फॉर्मूला की हेल्प से होते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा. कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा है. तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में हम क्या समझ रहे हैं, हम बस ये सोच रहे हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करता है कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर के कंबक्शन पे, ठीक है. तो हमने कार्बन का, हमें पता है कार्बन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है और सल्फर की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है. कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि कार्बन को जलाएंगे तो कितना अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, हाइड्रोजन को जलाएंगे तो कितना अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, सल्फर को जलाएंगे तो कितना अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, ठीक है. ये हमें पता है. फिर हम ये भी एनालिसिस कर लेंगे कि कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है और कितना सल्फर है, ठीक है. फिर इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, HCV निकाल लेंगे. तो ये थ्योरेटिकली हम कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं फ्यूल की. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल तरीका पढ़ेंगे, उसमें हमें एक्यूरेट पता चल जाएगा कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है. उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है. तो वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि रेशियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, व्यू आते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब इतने नहीं हैं. तो आई थिंक आप देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग ही रहा होगा, तो प्लीज़ थोड़ा रेस्पॉन्स आप देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा. तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी.